हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अनफॉर्चुनेटली आज मेरा बर्थडे है तो कुछ है नहीं करने को, तो मैंने चलो मोमोज ही बना देते। आजकल मोमोज ट्रेंड में है ना, अम्मी तो आज अपन चलिए क्या बना रहे क्या बना रहे पहले इंट्रोडक्शन कराना पड़ता, वैसे नहीं शुरू हो जाते। क्या बता रहे? मोमोज है ना? क्या बना रहे? मोमोज। ये शिमला मिर्ची है और ये पत्ता गोभी है और ये टमाटर है, समार प्याज। समार को क्या बोलते हैं? धनिया। धनिया धनिया पत्ती। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और ये क्या है? आलू। कितने? दो आलू। दो आलू कद्दूकस करे हुए है ना। और ये क्या होता है? दो कप मैदा। और ये बताओ 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 क्या है? और ये धनिया और ये नमक और लाल मिर्च। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हम चल पाउडर। पहले नहीं, ऐसा नहीं होना, पहले पूरा इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है। ठीक है चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। कैसे आ जाएंगे सुबह तक? अब बैठा बैठा कोई तो निकलता है। हम सिखाया था फिर बोला करना। ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसमें 1 चम्मच नमक डाला है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको चम्मच से घुमाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालना कि लम्स ना बने, बस ये ध्यान रखना है क्योंकि हमको एक सॉफ्ट डो चाहिए। ठीक है जी, अब हम हमारे हाथ का इस्तेमाल करेंगे, एकदम देसी स्टाइल में से गून लेंगे। इसे अच्छी तरह से गून के एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। तेल लगा के अच्छी तरह इसको मालिश कर ले, एकदम चिकना होना चाहिए डो, उसमें लम्स नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, अब हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मेरे को 3 फ्लैग के कलर में इसको डिवाइड करके रखना है, ग्रीन ऑरेंज और वाइट में। ठीक है जी, मैंने ये 4th कलर लिया है ग्रीन कलर का। अब हम इसे मिक्स करेंगे और ऐसे ही इसको मिक्स करके और दूसरी तरफ ऑरेंज वाला भी सेम इसी तरह से गून लेंगे। ये मैंने ग्रीन वाला सॉफ्ट एकदम तो इसको मिक्स करके रख दिया है, ये ऑरेंज सेम ऐसे ही इसको भी इसी तरह मिलाकर तीनों तैयार करके रख दिया है। अब हम स्टफिंग के लिए बॉईल 2 मैंने बॉईल आलू लिए, आलू मेरा फेवरेट। मैंने आलू लिया है, इसको कद्दूकस कर लिया है। इसमें पत्ता गोभी, टमाटर और शिमला मिर्ची। ठीक है जी, इसमें शिमला मिर्ची ऐड कर दिया है और एक बड़ा छोटा सा प्याज था, बड़ा नहीं सॉरी, और धनिया पत्ती उसमें मिक्स कर दिया है। और मसालों में तो मेरे मम्मी ने बताया आपको। ठीक है जी, धनिया पाउडर, काला नमक, मिर्ची और अमचूर पाउडर और ज़ीरा, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इसको चम्मच से ऐसी अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मैंने एक वाइट वाला डो लिया है, इसको छोटी 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 बॉल्स में काट लिया है। पहले हमें पतली पूरी चाहिए मोमोज के लिए ताकि वो स्टीम जल्दी से हो जाए, कच्ची ना लगे। ठीक है जी, अब हम इसे पूरी बेल लेंगे और इसमें स्टफिंग भर के पहले सेलरी लगाएंगे। मैंने पानी से साइड के कवर मतलब चिपकने के लिए लगाया है। इसमें स्टफिंग भर के इसको इस तरह से शेप देना है। एक मैंने देखो इस तरह से इसको शेप दिया। आप किसी भी तरह से देते हैं, मोमोज के शेप अलग अलग आने लग गए हैं। ठीक है जी, एक ग्रीन और ऑरेंज सेम इसी तरह इसको भी पानी से पूरी चारों तरफ सील के लिए लगा दे पानी और स्टफिंग इसमें ऐसे ही भर के इसको भी सेम शेप देना है। ठीक है जी, अब ग्रीन वाला भी इसी तरह सेम हमें इस तरह ही बनाना है, इसको भी सेम शेप देना है। मैंने तीनों तैयार करके रख दिया। अब हम एक छन्नी लेंगे, उस पर मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि मोमोज चिपके ना। बटर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है जी, अब हम स्टीम के लिए इसे रख देंगे। मैंने स्टीमर पहले से ही 10-15 मिनट पहले ही गर्म करके रखा था,
और हम इसको स्टीम के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। ठीक है, मजा आया। अब हम प्लेटिंग करेंगे। मैंने ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस लिया। आप मेयो भी ले सकते हैं या फिर टमाटो केचप या पिज़्ज़ा सॉस, आपके जो मर्ज़ी है वो ले। और ये तीनों कितने क्यूट लग रहे हैं फ्लैग के कलर में। और ये हमारे मोमोज तैयार हैं।